हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 4/2 अप्रैल 2019 है, ट्यूसडे का दिन है। और आज जो आपको व्यू लेके आया था, मैं थोड़ा इंडिसेस पे, सेक्टरल इंडिसेस पे लेके व्यू आया था, सेक्टर्स पे लेके आया था। तो जो पार्टिकुलर सेक्टर है, जैसे ऑयल गैस, मीडिया, कैपिटल गुड्स, बीएससी पावर, और उसमें क्या रिटर्न है, क्या परसेंटेज रिटर्न है, और आगे क्या परफॉर्म ये कर सकता है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो बीएससी ऑयल गैस में आपको पहले एक टेक्निकल में देख लें तो आपको 15 मिनट पर सेल मिल रहा है, आवरली भी सेल है, डेली पे स्ट्रॉन्ग बाई है ऑयल गैस में। अगर मीडिया में देखें तो सब जगह सेल मिल रहा है, मीडिया पे आपको डेली बेसिस पे न्यूट्रल है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स पे आपको सब जगह बाइंग मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग बाइंग भी है डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे न्यूट्रल है। पावर में देखें तो चाहे 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, पावर सेक्टर में आप बीएससी पावर में जो भी इंडिसेस हैं उसमें भी बाइंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और 2050 क्रॉस कर रहा है, 2050 के नियर जा रहा है और उसको जाके क्रॉस करने का दम भी रखता है। आईटी की बात करें तो आईटी में भी अभी दिख रहा है आपको अच्छी खासी बाइंग, ऊपर नीचे जाते हुए ये दिख रहा था, और क्योंकि ये 15988 क्रॉस कर रहा है, 16000 क्रॉस करता है तो फिर ऊपर की ओर निकलेगा। और यहाँ पर आप देखें, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे आवरली हो, डेली हो, सब पे बाइंग रिकॉग्निशन है आईटी सेक्टर में। एफएमसीजी थोड़ा वीक लग रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सेल कटर की गुंजाइश है कि सेल बन रहा, बनता हुआ दिख रहा है आपको। और आपको यहाँ पे एफएमसीजी में सेल दिखेगा, डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो बाई है। अगर फर्मा पे देखें तो फर्मा पे भी डेली बेसिस पे खाली बाई है और फिर उसके बाद सेल है। रियलिटी पे देखें तो सारे, चाहे डेली हो, चाहे आवरली हो, चाहे 5 मिनट पर हो, बाइंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें तो ये भी बाइंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। मेटल पे देखें तो थोड़ा आज न्यूट्रल बता रहा है और डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। ऑटो में देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई, डेली बेसिस पे न्यूट्रल है, बट ये आवरली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बाइंग था आज के लिए। बैंक निफ्टी पे बाइंग बता रहा है, चाहे वो आवरली हो चाहे डेली हो। निफ्टी 50 पे भी बाइंग बता रहा है। तो ये तो थे आपके आज के अनुसार, आज कल के लिए क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। अब ओवरऑल इसको देखें, 3 ईयर, 1 ईयर और YTD देखें, 1 मंथ का देखें, 1 वीक का देखें, तो बीएससी ऑयल गैस ने 67% का रिटर्न दिया है। और अब देखेंगे तो 3%, 10%, कहीं ना कहीं अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको संभावना हो सकती है ऑयल एंड गैस पे। मीडिया पे देखें तो सिर्फ 5% के का गेन दिख रहा है, 1 ईयर में 26% का लॉस किया है, 1 वीक में 4% है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल सा दिख रहा है इसमें लॉन्ग टर्म पोजिशन से। कैपिटल गुड में 43% का गेन है और आगे भी इस ईयर में हो सकता है, इस 1 मंथ में 8% है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा करता हुआ दिखेगा। पावर सेक्टर में 14% है और अब कंटिन्यूस ये देखेंगे लास्ट 1 मंथ में 10% का है और ये कंटिन्यू ग्रीन चल रहा है, तो पावर सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर के रूप में उभर सकता है। आईटी सेक्टर में 42% का गेन है 3 ईयर का, 1 ईयर का 26% है, YTD 10% है इसमें। हर आप देखें कंटिन्यूअस गेन है, तो जैसे एक एवरग्रीन सेक्टर होता है वैसे ये परफॉर्म कर रहा है, कम करेगा परफॉर्म, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, बट ओवरग्रीन कहीं पे भी लॉस नहीं है। आपको किसी भी लेवल पे आपने खरीदा होगा तो चाहे 3 ईयर हो, 1 ईयर हो, YTD हो, हर जगह पे सेक्टरल इंडेक्स में फायदा दिखा रहा है इसमें। ये एक ऐसा सेक्टर है जबको आपको ये है बैंक है और निफ्टी है जो आपको यही हर एरिया पे आपको ग्रीन दिख रहा होगा, अदरवाइज सब में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है या लॉस गेन हुआ है। FMCG में देखेंगे, FMCG में 50% का गेन था, 13% का था, और अब कहीं ना YTD भी निगेटिव हुआ, 1 मंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं FMCG अब थोड़ा सा रुका हुआ है। फर्मा भी देखें तो उसी चाल पे, FMCG के चाल पे चल रहा है, रिलेटिव 70% का पहले गेन दिया था, फिर 1 ईयर में लॉस दिया और वापस से भी देखिए कंटिन्यू ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक चला नहीं है, 27% का गेन दिया और अब ये अब देखेंगे रिसेंटली सिर्फ 1 महीने में 10% का गेन दे चुका है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखें ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मेटल को देखूं तो 62.50% का ये YTD रिटर्न दिया हुआ है, 1 ईयर में 13% के सिर्फ लॉस हुआ है, और वापस आप देखेंगे 1 मंथ में 5% और 1 वीक में ही सिर्फ 3.6% चल चुका है, और अभी आज भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप का था उसमें। ऑटो देखें तो बहुत खास नहीं चला हुआ, 3 साल में 5% का रिटर्न है, 1 ईयर में 23% का लॉस है, YTD में 7% का लॉस है, तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा कॉशियस पोजीशन, और अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखते हैं इसमें नहीं दिख रहा है अभी तक।
बैंक में देखें तो 87% का गेन, वन ईयर में 23% का गेन, YTD 11% का गेन और एक महीने में 12% का गेन और एक वीक में 2% का गेन। तो बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं निफ्टी 50 देखें तो 52% का गेन हुआ है, तो बैंक से कहीं कम हुआ है। और वन ईयर में 14%, YTD में 7%, वन मंथ में 7%, वन वीक में 2%। तो इसमें जो आप खुद अपना डिसीजन आप चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर इसमें मैं टेक्निकल एक बार व्यू भी दिखा दूँ आपको क्या बोल रहा है, तो आप यहाँ पे खुद देख लीजिए। इसमें जो अभी आवरली बेसिस पे देखेंगे तो पावर, IT, रियलिटी और ऑटो 50 बैंक में बाइंग बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग बता रहा है 50 निफ्टी 50 में, ऑटो में, रियलिटी में, आवरली बेसिस पे। लेकिन अगर वीकली बेसिस पे जाए, जहाँ पे हमको व्यू बनाना चाहिए वीकली बेस पे, तो आपको ऑटो सेक्टर में स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, बाकी और FMCG में न्यूट्रल है, मीडिया में न्यूट्रल है, बाकी में वीकली बेसिस पे भी बाइंग बता रहा है। तो आप जिससे इसको चाहें प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहें, तो कहाँ से कहा तो ओपन किया था, हाई किया था, कितना परसेंट चेंज दिया, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है इन सेक्टरों का आपको अपडेट कर दिया गया है। ये आप देखें कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कौन सा सेक्टर अभी तक YTD में देखेंगे कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रियलिटी, बैंक, IT, ऑयल गैस, ये सब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और हो सकता है IT तो एवरग्रीन है, न्यूट्रल भले 2% का देगा लेकिन देगा, लॉस नहीं देता है, तो IT में आप एज उस तरह से बैठ सकते हैं। लेकिन अभी रियलिटी बैंक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, बैंक तो बहुत अच्छा किया है, अभी 12% दिया है, तो रियलिटी में ध्यान दे सकते हैं। और जो निगेटिव रिटर्न सबसे ज़्यादा दे रहा है ऑटो दे रहा है, 7% का निगेटिव रिटर्न है, और मीडिया में 4% का और 2% का अभी तक मेटल में दिया है। तो YTD बेसिस पे जाएं तो यहाँ पे आपको इन सेक्टरों में आप देख सकते हैं लॉस। मंथली बेसिस पे जाएं तो मंथली बेसिस पे आप देखेंगे रियलिटी 18%, बैंक 12%, पावर 10%, इंफ्रास्ट्रक्चर 10% और लूजर के रूप में मीडिया है। वीकली बेसिस पे जाएंगे तो वीकली बेसिस पे IT 4% दिया है, मीडिया 4% दिया है, मेटल 4% दे रहा है और रियलिटी भी 4% दे रहा है। और वीकली बेस पे चूंकि सारा मार्केट चला हुआ था आपको सब ग्रीन दिख रहा है। सबसे कम ऑयल गैस दिया, पावर सेक्टर दिया है। तो बाकी आप इसी तरह सेक्टर इंडेक्स आप वॉच रखें, चेक करें और जो आपको लगता है अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है 3 साल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ बैंक ने, फिर रियलिटी ने, ऑयल गैस ने, मेटल ने, ये अच्छा खासा ये सब परफॉर्म कर चुके हैं, 50 ने, FMCG ने, BSE कैपिटल गुड्स और फर्मा जो है ओवरऑल देखेंगे तो 3%, ये 14% का फर्मा में लॉस है, वन ईयर में भी लॉस है, YTD में बहुत अच्छा गेन नहीं है, करंट में भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो फर्मा एक कहीं पे है जो कि लास्ट 3 साल से नहीं चला हुआ है, तो अगर ये चलेगा तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर सेक्टरल चेंजेज होगा तो। फर्मा में जब आपको एक बार आपको गेन दिखने लगे तो हो सकता है कि फर्मा बहुत ही अच्छे स्पीडअप से दौड़ सकता है। फर्मा में वॉच रखें, लेकिन अभी भी फर्मा पे कोई अच्छा पोजीशन नहीं दिख रहा है। अभी मेटल, रियलिटी, ऑटो, ऑटो भी अच्छा भी दिख रहा है, ऑटो भी कोई खास परफॉर्म किया नहीं है, तो ऑटो अगर परफॉर्म करता है तो ऑटो में भी ध्यान दिया जा सकता है। ये सिर्फ एक सेक्टरल इंडेक्सेस पे अपना व्यू था, ओपिनियन था, बाकी आप अपना एनालिसिस करें, वॉच रखें और उस सेक्टर पे ध्यान दें और बाय करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।